नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसके साथ साथ कोरोना का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव में COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए अध्यापकों, सरकारी कर्मियों और पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य पे अनदेखी करते हुए ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, तो इससे हाईकोर्ट नाखुश हो गया है। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति के लिए सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कोरोना संकट को देखते हुए हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, किस तरह की टिप्पणी की है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति के लिए प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। साथ ही जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं उसे लेकर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है, सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था, इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों और सरकारी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोक स्वास्थ्य की अनदेखी कर पुलिस को पोलिंग बूथ पर भेज दिया गया, इससे हम नाखुश हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में अरेंजमेंट सही नहीं है, COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, तो इससे हाईकोर्ट नाखुश है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि चुनाव करने वाले अधिकारियों को भी पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। चुनाव के फोटोग्राफ देखने से स्पष्ट है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, क्योंकि कल भी चुनाव हुआ, उसकी भी वीडियो वायरल हुई, उसकी पूरी पिक्चर्स वायरल हुई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कई चुनाव रैलियों में लोगों ने मास्क भी नहीं पहने। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई की जाए और इस अदालत को इससे अवगत कराया जाए। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर पालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया था। सरकार ने कहा था कि इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक व अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब तारीख 15 मई कर दी गई है। देखिए, इसमें लिखा भी है, ऑल इंस्टीट्यूशन लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू अदर डिसिप्लिन एंड एक्टिविटीज, बी इट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, शैल रिमेन क्लोज्ड इंक्लूडिंग फॉर देयर टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर एंड अदर स्टाफ टिल 26 अप्रैल 2021। दिस डायरेक्शन इज फॉर द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ देखिए, इसमें तीखी टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट के द्वारा, वी शैल रिकॉर्ड अवर डिसप्लेजर द वे गवर्नमेंट एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रोसीडेड टू होल्ड इलेक्शन, फोर्सिंग टीचर्स एंड अदर गवर्नमेंट स्टाफ टू परफॉर्म ड्यूटीज, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द ट्रीट ऑफ पेंडेमिक दैट लूम्स लार्ज दिस डे। द पुलिस वाज वर्चुअली शिफ्टेड टू पोलिंग प्लेसेस, गिवन प्रायोरिटी टू इलेक्शन अबाउट पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ को छोड़कर इनको जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी में भेजा जा रहा है, तो इस तरह की तीखी टिप्पणी हाईकोर्ट को ने की है। तो साथियों, काफ़ी अच्छा है
कि हाई कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान ले रहा है, क्योंकि इससे कोरोना के जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे तो उसके बाद कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।